अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलती हूं, जहां पर आज ममता सरकार ने अपराजिता बिल को मंजूरी दे दी है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद ममता सरकार एक नया कानून लेकर आई है। इसमें रेप के आरोपी को एक महीने के भीतर सूली चढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन इस कानून में कई पेच भी हैं और इसीलिए सवाल ये कि क्या दोष साबित होने पर आरोपी को सुप्रीम कोर्ट जाने का हक मिल जाएगा, क्या राष्ट्रपति के आगे वो दया याचिका लगा सकता है। ममता के अपराजिता को सियासत आई वॉश के चश्मे से क्यों देख रही है, दिखाते हैं आपको। कोलकाता के रेप मर्डर केस में पब्लिक की नाराजगी से बुरी तरह घिरी दीदी ने रेप के मामलों में ताबड़तोड़ इंसाफ वाला अपराजिता बिल विधानसभा में पेश किया और पास भी करवा लिया। द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल। ममता सरकार ने अपने बिल में भारतीय न्याय संहिता के कई प्रावधानों में बदलाव किया है, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि रेप के मामलों में पहले से ही फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में रेप के लिए न्यूनतम 10 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जिसे अपराजिता बिल में बदलकर न्यूनतम उम्र कैद या फांसी में बदल दिया गया है। रेप के बाद हत्या या पीड़िता के कोमा में चले जाने पर भारतीय न्याय संहिता में 20 साल से लेकर उम्र कैद और फांसी तक की सजा है, जबकि अपराजिता बिल में सीधे सजाए मौत का प्रावधान है। गैंगरेप के अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता में सभी दोषियों के लिए 20 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा है, लेकिन अपराजिता में दोषियों के लिए सीधे उम्र कैद है। पीड़िता अगर नाबालिग हुई तो भारतीय न्याय संहिता के तहत उम्र कैद या फांसी की सजा है। अपराजिता बिल में दोषियों के लिए फांसी की सजा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।